आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी। तो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी और उनसे रिलेटेड जो विभिन्न मूवमेंट आंदोलन, उनके प्रारंभिक जीवन से लेकर उनके जीवन में उनके द्वारा किए गए कार्यों की सभी घटनाएं को संकलित करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई थी और 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी के साथ उनका विवाह कर दिया गया था। द इनर टेम्पल लंदन में बैरिस्ट्री का प्रशिक्षण लिया था। उन्होंने करमचंद गांधी पोरबंदर, वंकानेर और राजकोट के जो है ये दीवान थे, जो उनके पिता थे, कावा गांधी के नाम से भी उन्हें जाना जाता था। गांधी जी में दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, देख सकते हैं साउथ अफ्रीका में, साथ ही टोल एस्टर फार्म की स्थापना भी किए, कई बार जेल किए गए, इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशित किए जो कि गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। फिनिक्स टर्बन दक्षिण अफ्रीका में 1904 में आश्रम जो स्थापित किए और जो है यह पहला आश्रम था उनके द्वारा स्थापित फिनिक्स। इसके साथ ही 24 वर्ष की आयु में वो 1893 में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे और वहीं 21 वर्ष रहे। जनवरी 1915 में जो है भारत लौटे। जनता ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दक्षिण अफ्रीका के उनके संघर्षों और उनकी सफलताओं ने उन्हें भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय बना दिया था। साथ ही जब वो 1915 में जो कि भारत लौटे 21 वर्षों के बाद, विभिन्न सारे मूवमेंट हुए हैं और जो मांगे थी, 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ जिसमें उन्हें आमंत्रित किया गया राजकुमार शुक्ल के द्वारा। यहाँ 3/20 भाग पर जो है नील की खेती करना मजबूर किया जाता था अंग्रेजों द्वारा, उसकी लड़ाई लड़े। 1918 में जो है कॉटन मिल मालिकों को प्लेग बोनस लेकर विवाद हुआ था, उसमें जो है लड़े हर जगह जहाँ तहाँ। वह गए, चलिए आगे देखते हैं और क्या है। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी। भारत 1915 में संसद चंपारण आंदोलन, देख सकते हैं। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि कितने वर्ष रहे, 21 वर्ष में बाहर रहे। राजनीतिक गुरु उनके गोपाल कृष्ण गोखले थे, नोआखाली में सचिव प्यारेलाल थे। 3/20 भाग में नील की खेती। चलिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं उनके द्वारा। करमचंद्र गांधी जो है दीवान थे, जो उनके पिता थे, पोरबंदर के, बंकानेर और राजकोट के दीवान थे। साथ ही उन्होंने जो है श्यामल दास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई की थी। श्यामल दास कॉलेज इसमें जिसमें महात्मा गांधी ने पढ़ाई की थी। इंडियन ओपिनियन जो है पत्रिका का उन्होंने जो है प्रकाशन किया था। फिनिक्स फार्म कहाँ है? डरबन दक्षिण अफ्रीका में। एम के गांधी समर्थक थे, दार्शनिक, अराजकता के। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? तो नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोलिंग। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो वहाँ पर भी नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था उनको, जबकि उनके पास
प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास का जो है टिकट था उस समय भी, तब भी उनको जनरल बोगी में बिठाया गया, पीटर मारिसबर्ग जो है जगह पर स्टेशन पे। कितने वर्ष तक रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में? 21 वर्ष तक। साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। सेवा धर्म कहाँ अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में? फिनिक्स फर्म कहाँ है दक्षिण अफ्रीका में? राजनीतिक गुरु थे उनके गोपाल कृष्ण गोखले। सत्याग्रह शब्द को उन्होंने गढ़ा। चंपारण जो है आंदोलन कब हुआ? 1917 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी मार्च 1918 में। खेड़ा आंदोलन 22 मार्च 1918 में। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 में। उनका आगमन कब हुआ छत्तीसगढ़ में? 20 दिसंबर 1900 जो है 20 को। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारे लाल। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। महात्मा संबोधित किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। देखिए गांधी जी के एक अंग्रेजी मित्र थे, वह चार्ल्स एंड्रूज थे, जो कि उनसे काफ़ी प्रभावित थे भारतीयों से, और दक्षिण अफ्रीका में भी इनका साथ दिए थे महात्मा गांधी का, वहाँ पर भी विभिन्न आंदोलन में, भारत में भी। इस तरह उनको गांधी जी ने दीन बंधु एंड्रूज उपाधि दी थी, जो कि वो भारतीयों से काफ़ी लगाव रहते थे, उनसे प्रभावित होते थे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी ने अपना जो पहला भाषण वाराणसी में दिया था। इसके साथ ही सबसे पहले जो है घटनाएं हुई चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी आए तो चंपारण सत्याग्रह यह कहाँ? बिहार में हुई, पश्चिम चंपारण में। यह नील कर्मियों के आंदोलन से था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तीन कटिया पद्धति से जुड़ा हुआ था। तीन कटिया पद्धति में जो है 3/20 भाग में जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। इनके बुलावे पर आए थे चंपारण में तो ये राजकुमार शुक्ल थे उनके। यह किसके विरोध में था? तो नकदी फसल
सर्वप्रथम जो सत्याग्रह प्रारंभ किए थे तो वह चंपारण था। सर्वप्रथम जो आंदोलन में भाग लिए तो वह चंपारण था। बिहार में अगर गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था वो चंपारण था। राजकुमार शुक्ल के बलावे पर आए थे नील की खेती के संबंध में। प्रथम जो है सफल सत्याग्रह हुआ तो वह चंपारण आंदोलन था, जो कि उसके राष्ट्रीय नेता हुए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का भी विरोध किया एनजी रंगा जो थे, उन्होंने विरोध किया। और इन्हीं चंपारण के आंदोलन के दौरान महात्मा की उपाधि दी गई थी उन्हें, गांधी जी को। तीनकटिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित था? तो देखिए चंपारण आंदोलन संबंधित था, नील की खेती से संबंधित था, बिहार के चंपारण में। 3/20 भाग पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य था अंग्रेजों के द्वारा, और इसका विरोध महात्मा गांधी ने किया, जिस पर 1918 में इस पर था प्रतिबंध लगा दिया गया। 20वीं जब 1917 में यह नकदी फसल के विरुद्ध हो रहा था, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी सरकार ने बिहार के चंपारण में तीनकटिया व्यवस्था लागू कर दी थी। प्रत्येक किसान को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। महात्मा गांधी जी का जो है उस समय साथ दिया राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने जो है चंपारण संघर्ष आंदोलन में। इनका आंदोलन जो चंपारण आंदोलन था नीलकर्मियों की समस्याओं का समाधान हेतु था। चंपारण में तीनकटिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। राजकुमार शुक्ल के बुलाव पर ये चंपारण आए थे। इन्होंने जो है ध्यान आकर्षित किया चंपारण के किसानों के हुए अत्याचार को देखते हुए। 19वीं शताब्दी के आरंभ में गोरे बागान जो मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर निश्चित करा लिया था कि अपनी जमीन के 3/20 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे तीनकटिया पद्धति के नियम से जाना था। और राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर वह 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। वहाँ पर आए थे, लखनऊ अधिवेशन में आए हुए थे, जहाँ पर राजकुमार शुक्ल गए हुए थे और उन्होंने ध्यान आकर्षण किया कि चंपारण में आइए और इस पर जो है आवाज़ उठाइए। ऐसा ही किए उन्होंने। गांधी जी को विभिन्न आंदोलन में विभिन्न जगह जेल भी जाना पड़ा। इसी क्रम में उन्हें जो है महाराष्ट्र के पुणे जेल में भी, यरवदा जेल में भी बंदी बनाया गया था। और इसी को गांधी जी ने मंदिर का जो है नाम दिया था यरवदा। सबसे पहले वाराणसी में उन्होंने जन भाषण दिया था। प्रथम जो है प्रयोग उन्होंने 1917 में चंपारण में ही किया था, और उसके बाद दूसरा प्रयोग उन्होंने फरवरी मार्च 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल के औद्योगिक मजदूरों की कम मजदूरी के विरुद्ध संघर्ष किया। वहाँ पर भी जो है सफल रहा और उनके जो अंग्रेजी मित्र थे चार्ल्स एंड्रयू, वह सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में पढ़ते थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था, वे हर तरह के भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल गोखले, महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फार्म में गांधी जी के साथ रहे थे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। एंड्रयू वर्ष 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे हैं। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन भी गए थे। 30 जनवरी 1948।
नोट कीजिएगा, 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी थी। उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ, कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे हमारे बीच अब नहीं रहे। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? माउंटबेटन ने जो है वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी। कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे? 1930 में जेल भी भेजे गए थे, तो जमनालाल बजाज। देखिए, गांधी जी के बारे में इतने कम समय में पढ़ना आसान नहीं है। उनका एक लंबा संघर्ष, एक लंबा वक्त, एक लंबा जीवन है जीवन, लेकिन फिर भी बहुत कम समय में उन चीज़ों को संग्रहित किया गया इस वीडियो में, जिससे कि आने वाले सभी परीक्षाओं में आपको हेल्प करे और बहुत कम समय में आपको उन चीज़ों से अवगत कराया गया जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट से महत्वपूर्ण थे। आशा करता हूँ कि आपने वह सभी चीज़ें सुनी होगी और याद किया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कोई भी क्यूरी हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो यही सारी गांधी जी से जितने रिलेटेड थे उनके प्रारंभिक जीवन से लेकर उनके द्वारा किए गए कार्यों की कृति और अंत समय तक किस तरह उन्होंने अपने उनका एक जीवन जो संघर्ष पर रहा, आप देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। तो फिनिक्स फार्म कहाँ है? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। एम के गांधी के समर्थक थे, दार्शनिक अराजकता के, दक्षिण अफ्रीका में कई वर्ष तक रहे। परिवार नियोजन के लिए उन्होंने आत्मनियंत्रण बताया, सेल्फ कंट्रोलिंग। श्यामलदास कॉलेज भावनगर में पढ़े थे और 1915 में भारत जो है दक्षिण अफ्रीका से लौटे। दक्षिण अफ्रीका में कई वर्ष तक रहे, वहाँ पर जो है उन्होंने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की, इंडियन ओपिनियन अखबार प्रकाशित किए जो कि ही गुजरात हिंदी तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। फिनिक्स डोदा दक्षिण अफ्रीका में 1904 में आश्रम स्थापित किया। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था मोहनदास करमचंद गांधी, पोरबंदर में गुजरात के, और राजकोट में प्रारंभिक शिक्षा हुई, श्यामलदास कॉलेज भावनगर में। 13 वर्ष की आयु उनका ब्याह हो गया और उनके पिता जो है पोरबंदर वंकाने राजकोट के दीवान थे। उनके पिता का उपनाम कबा गांधी भी था। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, कई बार जेल गए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 24 वर्ष की आयु में वो गुजराती व्यापारी दादा के अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे डरबन में। 21 वर्ष तक रहे, 1915 में आए। बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह सर्वप्रथम घटना है और 19वीं शताब्दी के आरंभ में गोरे बेगान मालिकों ने चंपारण किसानों से अनुबंध के आधार पर विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपने जमीन के 3/20 भाग में। वही सारी बातें हैं, रिपीटेड चीज़ें हैं। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें जो है गांधी जी को संबोधित किया था और राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो।